पॉपुलर वीडियो की तो बात अलग ही है, पहले लेटेस्ट वीडियो में व्यूज देखें। यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट वीडियो है, यहाँ पे 43K व्यूज, यहाँ पे 45K व्यूज, यहाँ पे 24K व्यूज, ठीक है, यहाँ पे 70K व्यूज। लेटेस्ट वीडियो है 40, 45, 70K व्यूज आ रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा कंटेंट आइडिया लेकर आया हूँ जो कि आप उस कंटेंट पे काम करोगे तो अपने वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज ला पाओगे एंड अपने चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ला पाओगे। दोस्तों वो कौन सा चैनल है, कैसा चैनल है, उस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है, उस चैनल पे कितना वीडियो डाला गया, वो चैनल कैसा वीडियो बनाता है, सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। एंड दोस्तों आप भी वैसा कंटेंट बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको वैसा कंटेंट बनाने के लिए नहीं तो अपना फेस दिखाना है, नहीं तो आपको अपना वॉइस ओवर करना है, जस्ट आपको कहीं से कॉपी करना है एंड वीडियो तैयार करके अपने चैनल पे अपलोड कर देना है। और उस वीडियो में आपको मिलियंस ऑफ व्यूज देखने को मिलेगा और उस वीडियो से आपके चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा चैनल है, कितना वीडियो डाला गया है, कितने उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स है, सब कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ और आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखो इस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है। तो यहाँ पे आप पहले सब्सक्राइबर्स देख लो, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड इस चैनल पे कितना वीडियो डाला गया आप यहाँ पे लाइव देखो। पहले इस चैनल पे 95 वीडियो डाला गया, सिर्फ 95 वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइबर्स 1.5 मिलियन, ठीक है। ये चैनल कब का है मैं आपको पहले लाइव दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं है पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैनल 4 मई 2023 का है, 4 मई 2023 का है, ठीक है। ये चैनल मोनेटाइज है नहीं है, ये चैनल पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, सब कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया और इसका लिंक कॉपी कर लिया, चैनल का लिंक मैं कॉपी कर लिया। एंड दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी चैनल का चेक करना होगा कि वो चैनल मोनेटाइज है नहीं है, तो अपने फोन में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जस्ट ऊपर में आपको सर्च करना है इज दिस चैनल मोनेटाइज, ठीक है, आपको जस्ट सर्च कर लेना है और टॉप वाला जो लिंक आएगा पे आपको क्लिक करना है, चेक इफ ए यूट्यूब चैनल और वीडियो इज मोनेटाइज, इस पे आप क्लिक कर देना है जस्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो जस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको उस चैनल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और चेक मोनेटाइज पे क्लिक कर देना है। जस्ट यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि वो चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ ये चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, ये चैनल मोनेटाइज है और ये चैनल पैसा भी कमा रहा है। दोस्तों इस चैनल को आप और एक जगह से चेक कर सकते हो, सोशल ब्लेड, सोशल ब्लेड से आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल कितना पैसा कमा रहा है, तो आप वहां से जाकर जस्ट चेक कर लोगे, ठीक है। किसी का भी चैनल चेक करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस चैनल पे कैसा वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक आया, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्ट पे क्लिक किया, दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया, शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप पहले यहाँ पे इसके लेटेस्ट वीडियो में व्यूज देखें, ठीक है। पॉपुलर वीडियो की तो बात अलग ही है, पहले लेटेस्ट वीडियो में व्यूज देखें। यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट वीडियो है, यहाँ पे 43K व्यूज, यहाँ पे 45K व्यूज, यहाँ पे 24K व्यूज, ठीक है, यहाँ पे 70K व्यूज। लेटेस्ट वीडियो है 40, 45, 70K व्यूज आ रहा है, यहाँ पे देखिए 138K व्यूज, यहाँ पे देखिए 101K व्यूज, ठीक है, यहाँ पे 60K व्यूज, यहाँ पे 1.4 मिलियन व्यूज, यहाँ पे आप देखिए जस्ट यहाँ पे 4.2 मिलियन व्यूज, मिलियंस ऑफ में व्यूज आ रहा है लेटेस्ट वीडियो में, ठीक है। जस्ट मैं आपको इसका पॉपुलर वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं पॉपुलर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देखो इसके पॉपुलर वीडियो में कैसे व्यूज आ रहा है, 38 मिलियन, 26 मिलियन, 20 मिलियन, 17 मिलियन, 14 मिलियन, 13 मिलियन, 12 मिलियन, 11 मिलियन, यहाँ पे आप देखो 8.9 मिलियन, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा वीडियो कौन नहीं बना सकता, ऐसा वीडियो 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, बूढ़ा जवान सब बना सकता है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ट्रेंड में चलता है और ये वीडियो एक यूनिक वीडियो है जो कि इसको आप यूनिक कंटेंट बोल सकते हो, ऐसा कंटेंट बनाकर आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। जस्ट मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, इसका खूबी बता रहा हूँ और ऐसा वीडियो आपको मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आप बने रहे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कट किया और इसका लेटेस्ट वीडियो पे मैं प्ले कर रहा हूँ, कोई पुराना वीडियो पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट वीडियो प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो देखो, और नेक्स्ट वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देखो, और नेक्स्ट वीडियो देखो, और
यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फोटोज है, ये सारा फोटोज है, क्विट कैट का फोटो है, क्विट कैट का फोटो है। यहाँ पे फोटो डाउनलोड करके उसको एनिमेशन वीडियो बनाकर उसमें सॉन्ग्स लगाकर उसको वीडियो तैयार करके अपने चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज लाया जा रहा है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लाया जा रहा है, और ऐसे लोग वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं। ये तो ट्रेंड में है, ये यूनिक एक वीडियो है, एक यूनिक कंटेंट है। आप ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैं बैक आ गया दोस्तों, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको ये वाला एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। यहाँ पे ये आप एप्लीकेशन देख रहे हो, इस एप्लीकेशन का नाम इमेज सर्च मैन, इमेज सर्च मैन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम इमेज सर्च मैन है। जस्ट आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। और वैसे इमेज कैसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है, ठीक है। क्या टाइप करना है, यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है क्विट, ठीक है, QUET, क्विट, एंड आपको कैट लिखना है, ठीक है, CAT, एंड आपको क्वीन लिखना है, ठीक है, QUEEN। क्वीन लिखने के बाद यहाँ पे क्विट कैट क्वीन लिखने के बाद आपको जस्ट सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे ही सेम जो फोटो उस वीडियो में लगाया गया है, एनिमेशन कराया गया है, वही फोटो यहाँ पे सारा शो कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं बहुत सारा फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, और आपको डाउनलोड करने नहीं आएगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां से ऐसा फोटो डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे आपको म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह भी मिलने वाला है, ठीक है, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट डाउनलोड कर ले रहा हूँ। जितना इमेज आपको डाउनलोड करना होगा, जितना लंबा आपको वीडियो बनाना होगा, उतना इमेज आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जस्ट मैं बहुत सारा फोटो डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्विट क्विट गर्ल, क्विट क्विट कैट का फोटो दिख रहा है। आप किसी भी किसी कैसा भी फोटो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं ये डाउनलोड कर लिया, एंड दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि वहां पे आप जो भी वीडियो देखे हो उस वीडियो में आपको एक ही सॉन्ग का यूज किया गया है, ट्रेंडिंग सॉन्ग, जो एक ही गाना चल रहा है, तो वही गाना को हर वीडियो में बार बार यूज किया गया है, ठीक है। तो आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रेंड सॉन्ग है और कॉपीराइट फ्री सॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये सारा सॉन्ग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, ठीक। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ये सारा फोटोज ले सकते हो और ये ट्रेंडिंग सॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा, जो कि आप अपने कंटेंट के लिए आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। आपको बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट वाला वीडियो लाया जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों इतना डाउनलोड करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से बैक आ जा रहा हूँ, और दोस्तों मैं अपना वीडियो कभी भी काइन मास्टर एप्लीकेशन से एडिट करता हूँ, ठीक है। तो आप भी काइन मास्टर एप्लीकेशन चलाते हो तो सही है, नहीं तो कोई अदर कोई भी एप्लीकेशन वीडियो एडिटर चलाते हो आप उससे इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन जस्ट ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और जो आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो या शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, तो लॉन्ग वीडियो के लिए आपको इसका रेशियो 16:9 सेलेक्ट करना है, और शॉर्ट वीडियो के लिए 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं 9:16 करके, और नीचे में क्रिएट का बटन दिख रहा है, जस्ट आपको इस पे क्लिक क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो जस्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कि ये आपको इमेज असिस्टेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से कोई आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ आप वही करोगे, कोई आप एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कर लिया हूँ, इसका लेंथ आपको ऐसे बढ़ा लेना है, यहीं पे बढ़ा लेना है। आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट का वीडियो बना रहे हो, आप जितना देर का वीडियो बना रहे हो उतना इस इमेज का लेंथ आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बढ़ा दिया हूँ, यहाँ पे आपको 41:46 सेकेंड का ये वीडियो हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने बढ़ा लिया। जस्ट आप जो इमेज डाउनलोड किए हो इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से, आपको उस इमेज को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये मीडिया का ऑप्शन देख रहा है, तो मीडिया पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो इमेज होगा, आप जो डाउनलोड किए हो। यहाँ पे मैं देखो जो डाउनलोड अभी किया हूँ यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है, तो ठीक है। तो जस्ट मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा,
और मेरे को जो जो अच्छा इमेज लग रहा है यहाँ से, जो मेरे को बढ़िया इमेज लग रहा है, मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 8 इमेज सेलेक्ट कर लिया। जस्ट यहाँ से ऐसे आ जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इस इमेज को करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला इमेज है, ये फर्स्ट वाला इमेज है, आपको इस पे क्लिक करके आपको इसका लेंथ रखना है कम से कम कितना, 2 सेकेंड, कम से कम 2 सेकेंड रखना है। ठीक है, आप जितना इमेज लगाओ, एंड ये सेकेंड वाला इमेज को आपको ऐसे बढ़ा लेना है, बढ़ाने के बाद इसका भी लेंथ कर देना है आपको ऐसे खींचकर 2 सेकेंड। ठीक है, एंड ये थर्ड वाले इमेज को भी आपको ऐसे बढ़ा लेना है, इसका भी आपको लेंथ कर देना है 2 सेकेंड। ऐसे ही आपको सारे इमेज को ऐसे आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, जितना इमेज आप यहाँ पे इंपोर्ट किए हो आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, 2 सेकेंड का कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको 2-2 सेकेंड करके यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा इमेज मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, सेट करने के बाद जस्ट आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, तो आपको जस्ट स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है, और इस पे आपको क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है, ये इमेज कुछ इस प्रकार के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड वाले भी इमेज पे क्लिक करना है, स्प्लिट करके ऐसे बड़ा कर देना है, एंड थर्ड वाले इमेज पे क्लिक करना है, स्प्लिट करके ऐसे बड़ा कर देना है। ठीक है, एंड फोर्थ वाले इमेज पे क्लिक करना है, स्प्लिट करके इसको भी आपको बड़ा कर देना है, एंड फिफ्थ वाले इमेज पे क्लिक करना है, स्प्लिट करके आपको इसको बड़ा कर देना है, एंड छठवें इमेज पे क्लिक करना है, आपको स्प्लिट करके इसको भी बड़ा कर देना है, आठवें इमेज पे क्लिक करना है, इसको स्प्लिट करके ऐसे बड़ा कर देना है, नौवें इमेज पे क्लिक करना है, स्प्लिट करके इसको बड़ा कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सारा इमेज लग गया है और बड़ा भी हो गया है। ठीक है, जस्ट आपको करना क्या है, इस सारे इमेज को एनिमेशन कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इन एनिमेशन, यहाँ पे आउट एनिमेशन, और यहाँ पे ओवर ऑल एनिमेशन। ठीक है, तो इन एनिमेशन जो आपका वीडियो फर्स्ट में आएगा इमेज, वो एनिमेशन करते हुए आएगा, और आउट एनिमेशन लगा देने से आपका वीडियो जब जाएगा खत्म होगा वो आउट एनिमेशन करते हुए चला जाएगा, और ओवर ऑल कर दोगे तो वो सारा वीडियो ही एनिमेशन करता रहेगा। ठीक है, तो आपको जस्ट एनिमेशन लगा लेना है अपने हिसाब से, और यहाँ पे आप फास्ट कम बेसी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है, मैं सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा इमेज कर लिया हूँ, आपको थोड़ा प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इमेज एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है, आ रहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको जस्ट ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉन्ग्स लगाने हैं, सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब शॉर्ट से सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेना है, आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो ट्रेंड में चल रहा है उसको यहाँ पे लगाना है, उसको यूज करना है, क्योंकि आपके अपने वीडियो में व्यूज लाना है। ठीक है, तो जस्ट मैं वो सॉन्ग्स डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप जहां कहीं भी सॉन्ग्स रखे होंगे आपको उसको लाकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मेरा सॉन्ग्स यहाँ से मैं वो सॉन्ग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा प्ले करके उसको थोड़ा मैं प्ले करके देख लूँ। दोस्तों ये जो गाना बज रहा है ये मैं YouTube शॉर्ट से डाउनलोड किया हूँ, प्लस इसको मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे वीडियो में आ गया। ठीक, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे वो गाना ऐड कर लिया हूँ आपको जस्ट, तो मेरा सॉन्ग यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये सॉन्ग दोस्तों नो कॉपीराइट, यहाँ पे आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला है, नहीं आपको कॉपीराइट मिलने वाला है, जस्ट आप वहां से डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, ये मेरा 100% गारंटी है कि आपको कॉपीराइट मिलने वाला नहीं है, नहीं तो क्लेम मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरा सॉन्ग्स खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सॉन्ग्स ये खत्म हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा भाग होगा मैं इसको ट्रिम करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा भाग है आपको डिलीट कर देना है अपने वीडियो में। ठीक है, इसमें जस्ट क्लिक करके आपको ट्रिम राइट कर देना है, और दोस्तों इतना करने के बाद ये वीडियो तैयार हो गया है, एक बार मैं आपको प्ले और करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों तो ये वीडियो आपने बनाना सीख लिया, और सॉन्ग्स कैसे लगाना है ये भी सीख लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेने हैं और वीडियो बनाते जाने हैं, और आपको देखना है कि आपके चैनल पे कैसे व्यूज आ रहा है, बूम की तरह, रॉकेट की तरह व्यूज आएगा, और आपके चैनल पे रॉकेट की तरह सब्सक्राइबर्स आएंगे, और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा, और अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर पैसा कमा सकते हो। दोस्तों जस्ट आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, रेंडर करना है, अपने गैलरी में सेव करना है, तो आपको करना क्या है,
यहाँ पे ये एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे आपको सेव एज पे क्लिक कर देना है। ये वीडियो आपके गैलरी में जस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो मेरे गैलरी में सेव हो रहा है, ठीक है। सेव होने के बाद आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करके व्यूज ला सकते हो। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ये कंटेंट आइडिया आपको कैसा लगा। और दोस्तों मेरे वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन दबा दो। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।